A BJP delegation led by Union Ministers Prakash Javadekar and Mukhtar Abbas Naqvi met the Election Commission officials on Thursday, seeking action against miscreants behind the violence in Kolkata on Tuesday during BJP President Amit Shah's road show. Senior BJP leader Prakash Javadekar demanded immediate detention of history cheaters so that fair and violence-free polling is conducted in West Bengal. The leaders have also demanded adequate deployment of central security forces during voting in the seventh phase. BJP delegation met the Election Commission officials a day after the poll body cut down campaigning in West Bengal, citing law and order problems. Rajya ki Mukhyamantri agar ye kahe ki Pradhan Mantri aur party ke hamare adhyaksh Amit Shah गुंडे है तो यह किस आचार संहिता में बैठता है और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर दो ही गुंडे ऐसा जो कहा है वो सभ्यता की मर्यादा लांग करता है, आचार संहिता की उल्लंघन करता है और सभ्य समाज की हर चीज की लांगता है और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई हो यह हमने मांग की है। और उसके सिवा और एक मांग की है कि ये जो हिस्ट्री शीटर्स और ये गुंडे लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक दिन पहले लिया जाए कब्जे में, तभी जाके चुनाव शांति से होगा। Meanwhile, the opposition parties led by Congress met the election commission. Opposition parties said that the BJP is responsible for the violence in West Bengal and that the Election Commission has already given a one-sided decision yesterday by putting a ban on campaigning. चुनाव आयोग ने बिना किसी एक न्यायिक प्रक्रिया के, क्वेजाई जुडिशियल प्रक्रिया के, सुनवाई के, बिना दोष निश्चित करे एक ब्लैंकेट सामूहिक रूप से चुप्पी वाला समय 24 घंटे से बढ़ा दिया। यानी उन्होंने ये निर्णय नहीं किया कि ये दंगेबाजी किसने की थी, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग दंगा करते हैं, और हमारा सीधा आरोप हमारा ही नहीं कई सारी पश्चिम बंगाल की नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टीज का ये आरोप है कि विद्यासागर जी की मूर्ति रोड शो के वक्त दंगा और जितनी भी हिंसा हुई उसका सीधा आरोप, उसकी सीधी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर है। तो ये बिना निर्णित किए अगर चुनाव आयोग एक ब्लैंकेट रूप से 24 घंटे की अवधि बढ़ा देती है चुप्पी वाले पीरियड की, तो इसका परिणाम बड़ा विचित्र होता है। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi on Thursday addressed several rallies in Uttar Pradesh and West Bengal. In Uttar Pradesh, Prime Minister Modi held rallies in Mau, Mirzapur and Chandauli district, targeting the opposition leaders. The Prime Minister said that people who are contesting only 35, 20 or even 8 seats are standing in the queue waiting for their turn to become the Prime Minister. Prime Minister Modi further added that I had thought the way Mamata is targeting UP and Bihar, calling them outsiders for her politics, Mayawati will surely condemn Mamata Banerjee, but this did not happen. बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी, उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की
न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। Later in the day, the Prime Minister also held public meetings in West Bengal's Mathurapur and Damdam. He blamed the Trinamool Congress for violence in Bengal. टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान बचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ऑन थर्सडे एड्रेस्ड सेवरल पब्लिक मीटिंग्स इन महाराजगंज, बलिया एंड गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली इन महाराजगंज, Shah highlighted the achievements of the NDA government. He said, "Our government tried to improve the living standards of 50 crore people of the country." Shah further added that the Ayushman Bharat scheme has benefited around 26 lakh people. 5 saal ke andar desh ki 7 crore garib mataon ko gas ka chulha mukt mein dene ka kaam ye Narendra Modi sarkar ne देश के 8 करोड़ घरों में शौचालय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ घरों को बिजली देने का काम किया, 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा पहुंचाने का काम And later in the day, Amit Shah also held a roadshow in Uttar Pradesh's Gorakhpur. Here he campaigned for the party's candidate from Gorakhpur, Ravi Kishan. The final phase of polling will take place on 19th of May and counting of votes will take place on 23rd of May. Addressing a joint rally in Varanasi, BSP Chief Mayawati said that after the independence, Congress was in power. But due to their wrong policies and practices, the Congress party lost power and BJP is on the same track. SP President Akhilesh Yadav also addressed the rally and encouraged the voters to vote in favour of Mahagathbandhan. ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। And Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has said that the SP-BSP alliance is for the development of people. Speaking exclusively to Rajya Sabha television, Yadav refuted BJP's allegation of Mahamilavat.
Former Chief Minister of Uttar Pradesh and SP Supremo, Mr. Akhilesh Yadav, welcome to Sabha Television. Six phases are over. What are the prospects of your party? देखिए गठबंधन जीत रहा है और जनता का और किसान गरीब का समर्थन है. सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा. बीजेपी कहती है कि महामिलावट है. ये महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए सामाजिक न्याय का गठबंधन है. और कहती है आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है. सात दिन सात अलग प्रधानमंत्री. बीजेपी के पास नया प्रधानमंत्री कोई नहीं है और जो प्रधानमंत्री है वो नोटबंदी और जीएसटी के जवाब नहीं दे सकते हैं. हमारे पास चॉइस तो है और 23 के बाद कोई ना कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा. चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. And for more on this, we'll go across to our correspondent Kriti Mishra, who is joining us from Varanasi. Kriti, Varanasi is a high-profile VIP constituency. What political equation, what mood do you see there? Well, Smriti, it's true. On the 23rd, when counting of votes would be done for Lok Sabha polls 2019, Varanasi would be the cynosure of all eyes. But right now, all the political pundits are saying that it's not really a battle in Varanasi. And they also assert that there's no dearth of certitude in Prime Minister Modi's victory from Varanasi. The BJP has also designed the campaign in a very strategic manner. The catchphrase here for the BJP reads, Banaras kare har bar yahi pukar, Modi sarkar bar bar. The BJP is also focusing the campaign on the developmental works that have been taken up in Varanasi, whether it's about beautification of ghats or the underground cables or construction of toilets or cleaning of Ganga. But remember, the opposition is also trying to give a tough fight, is also ensuring that Prime Minister Narendra Modi doesn't really have a cakewalk or walk over from Varanasi. So yesterday we saw Congress leader Priyanka Gandhi holding a roadshow here. Today also we saw that there was a rally of BSP, SP and RLD chiefs in Varanasi trying to turn the tide in their favor. But remember, Varanasi has been the citadel of the BJP since 1991. It was only in 2004 that the Congress wrested this seat from the BJP. Since then, the BJP has been winning this seat. And talking about the 2014 elections, Prime Minister Narendra Modi polled around 5.8 lakh votes here, defeating his nearest rival, who was Mr. Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party, by more than 3.7 lakh votes. And of course, the Congress candidate polled just around 70,000 votes. So it's a very important battle in Varanasi, but political pundits have a different say. And right now, the ball rests in the court of the people who would go out and vote on 19th of May when Varanasi goes to polls. Over to you, Kriti. And Kriti, one more question. What are you gauging from the people's mood there? What are the issues they are talking about? What are the points they are highlighting in Varanasi? Well, Smriti, Purvanchal is a very, very important phase right now in the last phase of the Lok Sabha elections, because remember, it is always said in Uttar Pradesh's politics that it is through Purvanchal that the road of government formation passes through. So certainly the BJP is also eyeing maximum seats here, because in the 2014 elections, it was a near sweep for the BJP in this region. So this time around, the BJP is also focusing on the people's issues. And you've also mentioned about the people's issues. The people are talking about development. Of course, Ganga passes through here. So cleaning of Ganga is again a very important issue for the people here. This region is also called particularly Chandoli, Dhan Ka Katora of Uttar Pradesh, and Kushinagar, Sugar Bowl of Uttar Pradesh. So there, the farmers' issues are also very important. As far as the youth are concerned, they want better education and employment opportunities. And also after the Balakot strike, something, the patriotic fervor, the nationalism that we saw in the country, in the entire country, that also resonates here in this phase. But it'll be seen on what issues the people would go out and vote on 19th of May. Over to you. Thank you so much, Kriti, for joining us and giving us all those ground details from there in Varanasi. And moving on, Congress President Rahul Gandhi hit the campaign trail in Patna on Thursday, seeking votes for party candidate Shatrughan Sinha and RJD's Meesa Bharti. Gandhi addressed a public meeting and then held a roadshow in the city. He was accompanied by Mahagathbandhan ally RJD leader Tejaswi Yadav. 15 लाख झूठ है, मगर अगली सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी.
ये पैसा हर महीने आएगा, हर महीने 6000 रुपए जनवरी 15 मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर का हर महीने 6000 रुपए बैंक का काम कब तक मिलेगा? उस दिन तक मिलेगा जब तक व्यक्ति की आमदनी 12000 रुपए प्रति महीना से कम हो। Four seats in Himachal Pradesh are going to polls in the final phase on 19th of May. Our correspondent Ravindra Singh Shuran spoke to Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur. He said that it's a direct contest between the BJP and Congress in the state. He also said that this time the election is about the developmental work carried out by the Modi government. हमारे साथ बात करने के लिए मंडी में इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, पिछली बार चारों सीटें जीते थे, इस बार चुनौती ज्यादा कड़ी है? मैं समझता हूं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। चार सीटें हमने 2014 में जीती थी और 2014 के बाद अभी हम पहले से मान करके चल रहे हैं कि चारों जीतनी है, उसके लिए उसके मुताबिक हम मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव केंद्र सरकार के साथ साथ आपकी राज्य सरकार के लिए भी एक परीक्षा है, तो आपको लगता है कि जनता यहाँ पे आपके कामकाज से खुश है? स्वाभाविक रूप से लोकसभा का चुनाव है तो बड़े मुद्दे केंद्र के रहते हैं, केंद्र सरकार के रहते हैं, और उसमें भी हमें संतोष है कि मोदी जी ने 5 साल में बहुत बेहतरीन काम किया है और उसका एक इम्पैक्ट है लोगों के बीच में। और उसके साथ साथ में स्थानीय मुद्दों पर भी बात होती है क्योंकि हिमाचल में सरकार हमारी पार्टी की है। तो सर, ये काफी प्रतिष्ठित सीट है, मुख्यमंत्री खुद जो है मंडी से आते हैं, सुखराम जी बड़े कद्दावर नेता के वक्त में रहे हैं, आपको लगता है कि रामस्वरूप जी वो हरा देंगे आश्रय शर्मा को? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर सीधा मुकाबला होता है जी। कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हैं, बीच में कुछ नहीं है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है बीच में। ऐसी परिस्थिति में मुकाबला हर बार होता है, चाहे हम जीते चाहे वो जीते, और मुकाबला नजदीक का होता है, सीधा होता है। अब की बार भी मुकाबला सीधा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को कह रहा हूं कि अब की बार हमारा जीत का अंतर बढ़ेगा। हिमाचल के बड़ी संख्या में लोग फौज में चले गए, तो ये जिस तरह से फौज का मामला है या राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं चुनाव, यहां पर उसका काफी असर है? अब के चुनाव में हमने इस बात को सचमुच में देखा कि बहुत अंतर है इस चुनाव में। महंगाई मुद्दा ही नहीं है जो हर चुनाव का मुद्दा होता था, बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है जो हर चुनाव का मुद्दा होता था। और इन मुद्दों को अगर हम जिक्र करने की कोशिश भी करें तो लोग बहुत गंभीरता से उनको सुन भी नहीं रहे। पूरा चुनाव जो है वो मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को देख करके जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस काम का जो परिणाम सामने आया है उस पर केंद्रित है। The attack on the election commission by the opposition parties is an advance alibi for defeat, Finance Minister Arun Jaitley said on Thursday. In a blog titled The Frightening and Scary Scenario of India's Opposition, Jaitley wrote that the fractured opposition has no agreement on either a leader or program. Terming the opposition parties as institution wreckers, Jaitley said their leaders represent temperamental mavericks, some highly corrupt and many a governance disaster. Further, Jaitley also asserted that as the seventh phase of election approaches to closure, the groundswell in favor of Prime Minister Narendra Modi is becoming stronger. Oxford Dictionary has debunked Rahul Gandhi's claim that a new word, Modi lie, has been added to the dictionary. Congress chief Rahul Gandhi had on Wednesday claimed in a tweet that the word Modi lie had been added to the dictionary to constantly modify the truth. In reply to Rahul Gandhi's tweet, Oxford Dictionary's official Twitter handle said, "We can confirm that the image showing the entry Modi lie is fake and does not exist in any of our Oxford dictionaries." Rahul Gandhi's tweet about the addition of the word Modi lie became a major controversy. Rahul Gandhi reportedly tweeted the information twice. In his first tweet, he shared
a screenshot of Oxford Living Dictionary, but searches showed no result on the site.